हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द ऑक्यूलर हाइपरटेंशन टेंसन ऑक्युलर मतलब कि आंखों का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होना कि आंखों के अंदर जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है इसको हम कहते हैं ऑक्युलर हाइपरटेंशन तो वो होने के जो रीज़न्स है कि जिसको हम कहते हैं कोजिस उसके क्या सिम्टम्स होते हैं फिर उसके लिए कौन से मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है वो सभी के बारे में हम ये लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि आँख का प्रेशर कि जिसको हम कहते हैं इंट्रा ऑक्युलर और शॉर्ट में कहा जाता है आईओपी तो वो बढ़ने के जो कारण होते हैं लक्षण और किस तरह से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं? तो वो जो उपाय है वो हम स्टडी करेंगे ये लेक्चर के अंदर सो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ रॉक्स थैंक यू फॉर बी इन ए वन लैक फैमिली ऑफ रॉक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन फार्मारॉक्स का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है तो डाउनलोड कर सकते हैं ऐप फार्मारॉक्स की जहाँ पे आप अलग अलग जो कोर्सेज़ है वो एक्सेस कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर प्रिंटेड मटेरियल के भी ऑप्शन रहेंगे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर पाओगे एंड आल्सो द वीडियो लेक्चर तो ये सभी फैसिलिटीज़ को एक्सेस करिए फार्मर ऑक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर और जो ऑनलाइन कोर्सेस है वो वहाँ पर आप एक्सेस कर पाएंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी तो अब अच्छे से समझिए ऑक्युलर हाइपरटेंशन के बारे में तो ऑक्युलर हाइपरटेंशन का सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन तो इट इज़ द मेडिकल कंडीशन इन विच प्रेशर इनसाइड द आइज इज़ इंक्रीज कि प्रेशर जो होता है हमारी आँखों के अंदर वो होता है इंक्रीज कि प्रेशर इनसाइड द आइज़ इज़ इंक्रीज़ के आँखों के अंदर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है एंड इन मेडिकल टर्म हाई प्रेशर इन द आइज़ इज़ कॉल द ऑक्युलर हाइपर कि जो मेडिकल टर्म्स हम कहें कि आँखों के अंदर जो प्रेशर इंक्रीज होना तो वो कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में कहते हैं ऑक्युलर हाइपर और सिंपल समझे तो जो आँखों के अंदर जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो प्रेशर का इंक्रीज होना या फिर हाई प्रेशर इन द आइज तो वो कहा जाता है ऑक्यूलर हाइपरटेंशन तो आप सबसे पहले यहां पे आइज की जो सिंपल अनाटोमी समझिए तो आइज के अंदर सबसे आगे की आर होता है कॉर्निया कि जो ग्रे कलर की जो पूरी लाइन जो आप देख रहे हैं दैट इज कॉर्निया फिर आप देख सकते हैं आयरिस कि जो यहाँ पे आ, ब्राउन कलर का जो पोर्शन है दैट इज आयरिस फिर लेंस है और ये लेंस के आगे का जो ओपनिंग है दैट इज प्यूपिल तो ये प्यूपिल का रीजन और कॉर्निया तो वहां पे प्रेजेंट होता है ये एक्वियस ह्यूमर वहां पे प्रेजेंट होता है एक्वियस ह्यूमर की जो ऑक्यूलर uh, फ्लूड कहा जाता है एक टाइप से फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलियरी मसल्स सिलियरी मसल तो ये सिलियरी मसल्स प्रोड्यूस करते हैं एक्वियस ह्यूमर कि सिलियरी जो मसल्स है उनका जो फंक्शन होता है ये एक्वियस ह्यूमर कि जो एक टाइप का फ्लूइड है उसको प्रोड्यूस करना है. फिर ये स्कैला स्क्लेरा का रीज़न आप देख सकते हैं कि जो डार्क uh, कलर जो है ग्रे कलर जैसा फिर येलो कलर का पोर्सन दैट इज चोरॉयड फिर जो रेड है दैट इज रेटिना और जो ऑप्टिक नर्व जो है पीछे की ओर जो हमें देखने को मिल रही है फिर यहाँ पे फोविया का रीजन है और अंदर आप देख सकते हैं विट्रियस ह्यूमर तो ह्यूमर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज ह्यूमर तो ह्यूमर मींस बनता है ह्यूमर उसका मतलब है कि एक टाइप का होता है ये फ्लूड की आंखों के अंदर जो फ्लूड होता है दैट इज ह्यूमर तो वो दो होता है एक ये एक्वियस ह्यूमर रहता है और सेकंड दैट इज विट्रियस ह्यूमर तो विट्रियस ह्यूमर कहां पे है तो ये रेटिना का की जो रे कहते हैं और ये लेंस तो लेंस एंड रेटिना के बीच में कि एक साइड है लेंस और ये साइड है रेटिना तो उसके सेंटर में जो रीजन है वो फील होता है यू फील बाय विट्रियस ह्यूमर कि जो फील होता है लेंस और रेटिना के बीच में जो भी पोर्शन बचता है हमारे आइस का तो वहाँ पे ये वेट्रियस ह्यूमर प्रेजेंट होता है और बाहर की ओर कि जो आप कॉर्निया का रीजन देखें फिर ये आयरिस है और प्यूपिल और तो वहाँ पे ये रीजन के अंदर की जो मैं अभी रेड कलर कर रहा हूँ तो ये जो रीजन बनता है इतना यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है एक्वियस ह्यूमर और वो रिलीज करने का जो काम है वो प्रोड्यूस करने का काम है ये सिलियरी बॉडी का और उसके साथ अटैच होते हैं सिलियरी मसल्स तो ये है सिंपल एनाटॉमी ऑफ द आइज़ और यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व होती है ये ऑप्टिक नर्व जाती है हमारे ब्रेन की ओर और, और वो प्रोड्यूस करवाती है विजन कि जिसके कारण हमें जो है वो दिखाई देता है तो होता क्या है कि जब हमारी आंखों के अंदर जो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है उसको कहा जाता है ऑक्युलर हाइपरटेंशन ये समझ लिया आपने सिंपल डेफिनेशन और साथ में समझ लिया एनाटोमी ऑफ आई की आईज की सिंपल एनाटोमी यहाँ पे आपने समझ ली अब यही पॉइंट आपको आगे के जो पॉइंट्स हैं इंट्रा प्रेशर इंक्रीज होने के या फिर ऑक्युलर हाइपरटेंशन इंक्रीज होने के वो अभ्यास से आपके इजीली क्लियर हो जाएगा क्योंकि जब आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से पता होगा तो अब समझिए द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज फील विथ अ क्लियर फ्लुइड कॉल एक्वियस ह्यूमर मेड बाय सीलियरी बॉडी कभी जो प्रीवियस एनाटॉमी के अंदर हम देखा कि उसके अकॉर्डिंग टू जो हमारे आइस का जो आगे का जो पोर्सन है द फ्रंट पार्ट ऑफ द आइस यहाँ पे क्या लिखा है फ्रंट पार्ट की जो आगे का रीजन है तो आगे का रीजन के अंदर ये देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सीलियरी प्रोसेसेस जो है वहां पे जो बिल्डअप होता है एक्वियस ह्यूमर वहां पे प्रोड्यूस होता है एक्वियस ह्यूमर ये एक्वियस जो ह्यूमर है वो यहाँ पे सीक्रेट होता है और ये उसका फ्लो दिखा रहा है हमें कि एक्वियस आउटफ्लो कि ये जब यहाँ पे बिल्डअप भी होता है और किस तरह से बाहर निकल जाता है तो ये देखिए सिलियरी मसल्स और बॉडी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सीक्रेट हुआ फिर ये आयरिस का जो रीजन और वहाँ से ये साइड आ रहा है और फिर यहाँ से हमारी आंखों के बाहर जो है वो निकल जाता है थ्रू ट्रैबिकुलर मैसवर्क जिसके कारण ये फ्लूड बाहर निकल जाता है दैट इज ट्रेबिकुलर मैसवर्क ये है कॉर्निया फिर एंटीरियर चैम्बर है ये हमारे आइस का और ये लेंस तो ये जो रीजन जो हम देख रहे हैं सिर्फ ये वाला जो रीजन है उसको हम जूम करके देख रहे हैं तो सिर्फ ये जो है वो फ्रंट पार्ट है आंखों का ये है फ्रंट पार्ट तो ये फ्रंट पार्ट में जो ट्रैबेक्युलर मैसवर्क जो हम कहते हैं वो ट्रेबेकुलर मैसवर्क जो है वो ये एक्वियस जो फ्लूड है उसके लिए आउटफ्लो का काम करती है और वहाँ से इजीली ये फ्लूड जो है वो बाहर निकल जाता है कि जितनी ज़रूरत होती है उतना यूटिलाइज होता है और जो जरूरी नहीं है वो बाहर निकल जाता है जिसके कारण आँखों के अंदर जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है द फ्लूइड फ्लो आउट थ्रू द प्यूपिल कि जो प्यूपिल का जो रीजन है उसके रीजन के थ्रू ये फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाता है जैसे कि ये हमने देखा कि ये आयरिस और ट्रेबिक्युलर मैसवर्क वहां पे इन्वॉल्व होता है इट देन रिचिज द आइस ड्रेनेज सिस्टम इंक्लूडिंग द ट्रैबिक्युलर मैसवर्क एंड द नेटवर्क ऑफ कैनल्स कि जैसे किसी uh, रिजर्व वायर के अंदर किसी बांध के अंदर जब पानी भरा होता है तो वो पानी को बाहर निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम होती है सेम लाइक दैट हमारे आँखों के अंदर भी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ड्रेनेज सिस्टम बिल्डअप होती है बाय द ट्रैबिकुलर मेसवर्क और वहाँ पे प्रेजेंट अलग अलग जो कैनल्स होती है तो उसके थ्रू ये इजीली यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ जो फ्लूड है वो बाहर निकल जाता है कि जिसको हम कहते हैं आउटफ्लो जिसको क्या हम कहते हैं आउटफ्लो या फ्लो आउट हो जाता है फ्रॉम द आइस जिसके कारण प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होता तो ये है किसी हेल्दी पर्सन के अंदर कि जब पर्सन हेल्दी होता है तो ये ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से काम करती है और ये ड्रेनेज सिस्टम जो भी फ्लूड अंदर बिल्डअप होता है वो फ्लूड को आँखों में से बाहर निकालने का काम कर देता है और जिसके कारण प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है तो अब क्या होता है इंट्रा प्रेशर इंक्रीज़ जब होता है तो उसके कारण क्या होता है वो कंडीशन जो प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं ऑक्युलर हाइपर तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये जो फ्लूड है वो आउटफ्लो हो जाता है जिसके कारण प्रेशर नॉर्मल रहता है बट समझो कि कंडीशन ऐसी हो रही है कि ये जो फ्लूड है वो बाहर नहीं निकलता ये जो फ्लूड है उसका आउटफ्लो जो है वो बंद हो जाता है आउटफ्लो बंद हो जाता है तो क्या होगा कि आउटफ्लो बंद हो जाएगा मतलब कि इंक्रीज़ होगा फ्लूइड इंक्रीज़ हो जाएगा अंदर की ओर अंदर जो है वो फ्लूइड इंक्रीज़ होगा साथ में समझो कि रिड्यूस हो रहा है सॉरी साथ में इंक्रीज़ हो रहा है प्रोडक्शन भी फ्लूड इंक्रीज़ हो रहा है उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है उसका ड्रेनेज रिड्यूस हो रहा है उसका ड्रेनेज अब ड्रेनेज रिड्यूस हो रहा है मतलब कि एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस भी हो रहा है फ्लूड जिसके कारण फ्लूड इंक्रीज हो जाता रहा है और ड्रेनेज जो है वो रिड्यूस होता है तो उसके कारण ये जो है वो इंक्रीज़ करता है आइस के अंदर प्रेशर तो नॉर्मल आई प्रेशर कितना होता है कि जब कोई हेल्दी होता है पर्सन तो हेल्दी के अंदर 12 से लेकर 22 टू एम जितना जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल आई प्रेशर और वो इंडिकेट करता है द कंडीशन ऑफ ए हेल्दीनेस तो यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर हेल्दी आई विथ नॉर्मल ऑप्टिक नर्व हेड कि ऑप्टिक नर्व का आप यहाँ पे हेड भी देख सकते हैं डायग्राम के अंदर एज वेल एज जो हेल्दी है हाई प्रेसर ऑफ ग्रेटर दैन ट्वेंटी टू एम एम एस जी इज कंसिडर एज अ हायर देन नॉर्मल एंड कॉल ऑक्युलर हाइपर टेंसन तो ये हो गई अब एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर एज वेल एज ऑक्युलर हाइपर टेंशन की इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर नॉर्मल कितना है ट्वेल्व टू ट्वेंटी टू और जब इंट्राऑक्युलर प्रेशर 22 से इंक्रीज होता है और उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ ऑक्युलर हाइपरटेंशन एक्सेसिव प्रेशर डैमेज द ऑप्टिक नर्व्स ऑफ द आईज एंड बिकम द रिस्क फैक्टर फॉर ग्लूकोमा कि ग्लूकोमा के लिए एक रिस्क बनता है कि जब आपका इंट्राऑक्युलर प्रेशर इंक्रीज रहता है आपको ऑक्युलर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो उसके कारण आगे जाके क्या हो सकता है ग्लूकोमा हो सकता है तो यहाँ पे देखिए सेकंड डायग्राम के अंदर आप जो यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज ग्लूकोमा आई विथ ग्लूकोमेटस कपिंग ऑफ द नर्व एंड कि जो नर्व एंड होता है वो डैमेज होता है न्यूरॉन जो है हमारी डैमेज होती है और जिसके कारण स्पेशली इफेक्ट होती है हमारे विजन के ऊपर तो ये देखिए रेटिना ये ऑप्टिक नर्व्स आप यहाँ पे देख सकते हैं दिखाया है और यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व्स है वो प्रॉपर जो है वो प्रोवाइड करती है हमें विजन की जो क्रेनियल नर्व नंबर टू है क्रेनियल नर्व नंबर टू दैट इज ऑप्टिक नर्व और उसका काम होता है विजन का अब इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने के कारण कि जो है ट्वेंटी टू एम एच और उससे भी हायर रहता है काफ़ी दिनों तक तो उसके कारण आप देखिए जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होती है यहाँ पे आप डैमेज देख सकते हैं ऑफ ऑप्टिक नर्व और ये ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने के कारण डायरेक्टली इफेक्ट होता है विजन के ऊपर इसीलिए देखिए यहाँ पे लेकर एक्सेसिव प्रेशर डैमेज द ऑप्टिक नर्व ऑफ द आइज एंड बिकम द रिस्क फैक्टर फॉर ग्लूकोमा के ग्लूकोमा के, के अंदर जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और जिसके कारण के जाके विजन लॉस होता है ब्लाइंडनेस हो सकता है तो ये है इंट्राक्युलर प्रेशर तो ऑक्युलर हाइपर टेंस नकर्स वैन द प्रेशर इन द आइज नोन एज द इंट्राऑक्युलर प्रेशर इज अबउ इज अब द नॉर्मल रेंज इज अबउ द नॉर्मल रेंज कंसिडर एज ट्वेंटी वन एम एम एच जी ट्वेंटी वन या फिर जो ट्वेंटी टू एम एम एच जी जो हम कहते हैं उससे जो इंक्रीज होता है तो ये ऑफिशियल डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि ऑक्युलर हाइपरटेसंकर वैन द प्रेसर इन द आई नोनेस इंट्रा ऑक्युलर प्रेसर इज अबो द रेंज कंसिडर एज नॉर्मल एंड ऑफन डिफाइन एज अबो ट्वेंटी वन इवन ट्वेंटी टू जो बॉर्डर पर हो तो भी हम कह सकते हैं कि ऑपक्यूलर हाइपर टेंसन का अब स्टार्टिंग है और जैसे ही उससे आगे कंटिन्यूसली रहता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्यूलर हाइपर टेंसन और वह ऑक्यूलर हाइपर टेंसन क्या करता है दैट में डैमेज द ऑप्टिक नर्व कि ऑप्टिक नर्व को वो वो डैमेज करेगा तो उसका जो मेन रीज़न यहाँ पे देखिए कि आंखों का जो फ्रंट साइड है यहाँ पे जो दिखाया है ये वाला जो फ्लोइड कि यहाँ पे जो मैंने येलो किया अब वो रिमूव करता हो कि बिल्डअप ऑफ एक्वियस ह्यूमर फ्लोइड अब ये फ्लोइड इंक्रीज होता जाता है और उसका जो ड्रेनेज है वो पुअर है कि अच्छे से वो रिमूव नहीं होता फ्लूड या फिर वो बाहर नहीं निकलता कि यहाँ पे लिखा है क्लॉग ट्रेबिकुलर मैसवर्क ट्रेबिकुलर मैसवर्क की जो ये फ्लूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है उसका क्लॉगिंग हो जाना मतलब कि उसका ब्लॉक हो जाना और उसके कारण इंक्रीज होता रहता है वो फ्लूड तो जो क्लॉगिंग हो जाता है उसके कारण या फिर जो ब्लॉक हो जाता है कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो हमने बात की कि जो ड्रेनेज सिस्टम थी ड्रेनेज के लिए जो कैनल था एज वेल एज जो ट्रेबिकुलर मेसवर्क थे वो यहां पे हो जाते हैं ब्लॉक जिसके कारण यहाँ पे बिल्डअप होता है ह्यूमर इन अमाउंट और ये एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो आंखों के अंदर इंक्रीज करता है प्रेशर और ये प्रेशर के कारण हमारी आइज के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो डैमेज होते हैं तो व्हाट इज द कोजिस तो अब अच्छे से समझिए कोजिज व्हाट आर द कोजेस फॉर ऑक्युलर हाइपरटेंशन तो प्राइमरी रीजन बिहाइंड द इंक्रीज द आई प्रेशर इज द फर्स्ट इंक्रीज इन द फ्लूड प्रोडक्शन इन द आईज बाय द सीलियर सीलियरी बॉडी कि जो आंखों के अंदर रहे जो सीलियरी बॉडीज है वो क्या करती है इंक्रीज करती है फ्लूइड का प्रोडक्शन कि ये जो एक्वियस ह्यूमर जो बेल्डअप होता है वो होता है इंक्रीज उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है अच्छे से समझिए दोनों पॉइंट फर्स्ट कि उसका जो प्रोडक्शन है वो हो गया है इंक्रीज सेकेंड डिक्रीज इन द फ्लूड आउटफ्लो इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन पर सामने इंक्रीज होना चाहिए ड्रेनेज कि जिसको हम कहते हैं आउटफ्लो बट डिक्रीज़ हो जाता है आउटफ्लो तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और सामने रिडक्शन हुआ आउटफ्लो तो प्रोडक्शन अब इंक्रीज हुआ है फ्लूड का आउटफ्लो रिड्यूस हो गया है जिसके कारण कंडीशन ये होगी कि इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एक्वियस ह्यूमर एंड इट बिल्ट अप द प्रेशर इनसाइड द आइज एंड डैमेज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आइज अब ये जो एक्वियस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ आउटफ्लो रिड्यूस हुआ जिसके कारण जो उसकी अमाउंट है वो हो गई इंक्रीज़ और ये अमाउंट इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है कि जो प्रेशर है वो अब इंक्रीज़ हो रहा है और ये जो प्रेशर इंक्रीज़ होने के कारण हमारी आईज और उसके अलग अलग पार्ट जो है वो डैमेज होते हैं प्रेशर इन दैट द आइस एंड डैमेज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आइस तो ये है मेन दो रीजन कि जो हम समझ सकते हैं कोजिस ऑफ हाइपरटें हाइपर हाइपरटेंशन तो उसका जो मेन रीजन है दूसरा कि पुअर ड्रेनेज अब आउटफ्लो रिड्यूस होने का जो कारण है कि आउटफ्लो क्यों रिड्यूस होगा तो उसका एक रीजन बनेगा कि पुअर ड्रेनेज ऑफ द ह्यूमर उसके अलावा जिसके कारण टू मच फ्लूड एंटर इनटू द आइस विदाउट बींग ड्रेनेज कि आँखों के अंदर जो पानी तो इंक्रीज होता रहा है बट ड्रेनेज ना होने के कारण वो काफ़ी हाई अमाउंट के अंदर बिल्डअप होता है और वो इंक्रीज करता है प्रेशर को दूसरे कुछ ऐसे रीज़न है कि जब आँखों के अंदर कोई इंजरी होती है तो उसके कारण भी इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर इंक्रीज होता है और जिसके कारण ऑक्युलर हाइपरटेंशन हो सकता है कुछ ऐसे डिसीज के कारण कि आई रिलेटेड डिसीज हो तो भी आंखों के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है एंड सम मेडिकेशन साइड इफेक्ट तो ये है अलग अलग कॉजिस के जिसको हम कहते हैं रीजन्स तो एक पुअर ड्रेनेज उसके कारण एक्सेस अमाउंट में एक्वियस ह्यूमर डेवलप होना वो प्रेशर इंक्रीज करता है तीसरा एक रीज़न इंजरीज टू द आइज क्या इसको इंजरी होना नंबर चार आप समझ सकते हैं कुछ डिसीज और सम मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स के जिसके कारण ऑक्युलर हाइपरटेंशन आपको हो सकता है तब तो उसके सिम्टम्स क्या है वो समझने जरूरी है कि पर्सन विथ हायर प्रेशर में एक्सपीरियंस द फॉलोइंग सिम्टम्स अब जिन लोगों को ऑक्युलर हाइपरटेंशन होता है उनको ये सब सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं कि एक तो हैज़ी और ब्लर विजन कि यहाँ पे जो हम देख सकते हैं इस तरह से कि ये जो विजन कि ये जो आप इमेज देख रहे हैं तो ऐसा दिखाई देना उसका मतलब होगा कि हैज़ी और ब्लर विजन तो वो एक साइन है कि आपकी आँखों के अंदर प्रेशर इंक्रीज हुआ है और उसके कारण आपकी जो विजन के ऊपर अफेक्ट हो रही है फिर द एपियरस ऑफ रेनबो कलर सर्कल अराउंड द ब्राइट लाइट्स कि समझो कि ये ब्राइट लाइट है और ये ब्राइट लाइट को आप देखते हैं तो इस तरह से आपको ये रेनबो कलर्स दिखाई देना कि ये आप देख सकते हैं कि रेनबो कलर रेनबो कलर सर्कल जो इस तरह से दिखाई देना कि जब ये कोई पर्सन इस तरह से कोई ब्राइट लाइट के सामने देखता है तो उसको ये ऐसे सर्कल्स देखने को मिलते हैं तो उसका मतलब होता है कि आँखों के अंदर प्रेशर ज़्यादा है और वो प्रेशर के कारण आपके आइस के जो ऑप्टिक नर्व्स शायद डैमेज हो रही है उसके कारण आपकी विजन जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो रही है फिर सीवियर आइज एंड हेड पेन कि जो आँखों के अंदर जो है वो पेन होना कि वहाँ पे जो है वो पर्सन को पेन होता है आँखों के अंदर पेन होना साथ में नोजिया वॉमिटिंग भी होता है कई बार कि कंटिन्यूसली वहाँ पे आँखों के आसपास प्रेशर बिल्ड बिल्डअप होने के कारण वहाँ पे जो आँखों के अंदर जो पेन होता है हेड पेन के कारण नोजिया वॉमिटिंग होता है सीवियर आई पेन सीवियर आई पेन और सडन साइट लॉस अचानक से आपको दिखना भी बंद हो जा सकता है और रेडनेस इन द आइज़ क्या आँखों के ये जो रीजन में आपको रेडनेस भी देखने को मिले जैसे कोई भी सिम्टम्स आपको आइज रिलेटेड हो तो उसको लाइटली ले लेना चाहिए तुरंत ही उसका अच्छे से डायग्नोसिस करवा के प्रॉपर उसका इलाज जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए बिकॉज़ ये जो प्रॉब्लम ऐसे है कि आगे जाके आपकी विजन के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं आपकी विज़न लॉस हो सकती है ब्लाइंडनेस हो सकता है या फिर उसके कारण आपकी जो विजन है वो काफ़ी अल्टर हो सकती है तो ऑक्युलर हाइपरटेंशन के जो हम कॉम्प्लिकेशंस कहे, तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज ऑप्टिक नर्व डैमेज कि ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना वो उसका एक कॉम्प्लिकेशन है फिर सेकंड रेटिना डिटैचमेंट सेकंड दैट इज़ रेटिना डिटैचमेंट मतलब कि जो रेटिना है वो यहाँ से डिटैच हो सकती है इस तरह से कि डिटैचमेंट हो सकता है रेटिना का उसके अलावा हम देखें तो डैमेज टू रेटिना ये एक तीसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बिकॉज कंटिन्यूसली ये जो प्रेशर इंक्रीज होता रहे तो ये जो प्रेशर यहाँ पे पड़ता है पूरा और यहाँ पे जो पार्ट हम देखें तो एक तो रेटिना सबसे पहले है ऑप्टिक नर्व कॉन्टेक्ट में आता है तो रेटिना और ऑप्टिक नर उसके सबसे बड़े टारगेट रहते हैं जैसे कि यहाँ पे हम एक बलून का एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जो डायग्राम के अंदर एक बलून को देख सकते हैं तो ये जो बलून है उसके अंदर समझो कि प्रेशर हम इंक्रीज करें प्रेशर के लिए हमें जस्ट पी लिखता हूं तो प्रेशर समझो कि इंक्रीज हो जाए होगा हो तो उसकी जो वॉल्स रहेगी उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा एज वेल well एज यहाँ पे भी तो ये अंदर प्रेशर बिल्डअप होने के कारण ये जो अटैचमेंट होगा वहां से शायद वो ब्रेक हो सकता है या फिर यहाँ कोई भी साइड से वो फिर ब्रेक हो सकता है बिकॉज ऑफ द हायर प्रेशर इनसाइड दैट बलून तो सेम कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे भी होती है कि जो रेटिना कि जो पोर्सन में समझो कि इंक्रीज हो रहा है फिर प्रेशर, वेल पे ऑप्टिक नर्व भी प्रेजेंट है तो ये दोनों उसके मेन टारगेट हो सकते हैं और जिसके कारण वो दोनों डैमेज हो सकती है फिर जब रेटिना डैमेज होती है सॉरी ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है तो उसके कारण जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है वो हम कहते हैं ग्लूकोमा तो ये भी एक ऑक्युलर हाइपर का हम कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं फिर रिडक्शन इन ए विजन विजन जो है वो आपके कम हो सकती है नंबर छः ब्लर विजन हो सकती है फिर आप केयर ना करो तो आगे जाके विजन लॉस हो सकता है और जिसको हम कह सकते हैं दैट इज अ ब्लाइंडनेस तो ऑक्युलर हाइपरटेंशन ऐसी कंडीशन है कि जिसको हमें कभी भी लाइटली ले ले नहीं लेना चाहिए जैसे ही आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं ऑक्युलर हाइपरटेंशन के रिलेटेड तो तुरंत उसका अच्छे से सारवार करवा लेना चाहिए उसका इलाज करवा लेना चाहिए कि जिससे आगे जाके जो है वो ना ही ऑप्टिक नर्व डैमेज हो ना ही रेटिना डिटेटमेंट का कोई प्रॉब्लम हो ना ही ग्लूकोमा हो तो ये है कॉम्प्लिकेशंस uh, अब जान लेते हैं कि किस तरह से उसका डायग्नोसिस होता है तो ड्यूरिंग ए रेगुलर आई एग्जामिनेशन रेगुलर जब आइज का एग्जामिनेशन होता है आइज के चेकअप होता है तो उस वक्त आपने देखा होगा कि किसी भी आई क्लिनिक्स के अंदर आप जाओगे या फिर आई रिलेटेड कोई भी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट आप देखोगे जिसको कहते हैं टोनोमीटर जिसको क्या कहते हैं टोनोमीटर तो ये टोनोमीटर को यूज करके इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर जो है वो चेक किया जाता है इंट्राऑक्युलर प्रेशर इज मेजर बाय यूजिंग ए डिवाइस दैट इज कॉल्ड अ टोनोमीटर तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए कि यहां से एमसी पूछा जा सकता है कि वॉट इज द यूज़ ऑफ टोनोमीटर द टोनोमीटर इज टू मेज़र अ प्रेशर इनसाइड द आइस की आइस का प्रेशर मेजर करने के लिए टोनोमीटर यूज किया जाता है और इफ द एलिवेटेड प्रेशर इज मेजर अबउ ट्वेंटी वन एम एम एच जी टू आइस एक बार आप चेक करवा सकते हैं और उस वो प्रेशर समझो कि आता है थर्टी फाइव एम एम एस जी दूसरी बार आपने चेकअप करवाया वो प्रेशर आता है ट्वेंटी नाइन एम एम एस जी तो वो डायग्नोस हो सकता है एज अ ऑक्यूलर हाइपर टेंशन की ट्वाइस दो बार हम चेक करेंगे कि एक बार समझो कि टेम्पररी आया हो और फिर सेकंड टाइम भी चेक करें और फिर सक्सेसिवली आप थर्ड बार भी चेक कराने जाते हो और फिर भी प्रेशर समझो कि ट्वेंटी एट एम एम एस जी आता है फिर फिर से एक बार आप कंफर्मेशन के लिए चेक करवाते तो भी आपका प्रेशर थर्टी वन जितना आता है तो सक्सेसिवली जब दो या चार बार आप चेक करवाते हैं आपके आँखों का जो प्रेशर और वो कंटीन्यूसली ट्वेंटी वन एम एम एस जी से हायर आ रहा है तो वो इंडिकेट करेगा द प्रॉब्लम ऑक्युलर हाइपरटेंशन तो ये था ऑक्यूलर हाइपर का डिटेल वीडियो लेक्चर की जिसके अंदर हमने अभी तक सीखा है डायग्नोसिस के बारे में अब जान लेते हैं उसकी ट्रीटमेंट्स तो ट्रीटमेंट किस तरह से होती है तो जो प्रिस्क्रिप्सन ड्रॉप्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ आइस कि जो आंखों के अंदर जो प्रेशर बिल्डअप होता है उसको रिड्यूस करने के लिए अलग अलग क्लास के जो आइड्रॉप जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन से बीटा ब्लॉकर अल्फा अल्फाइड्रीनर्जी एगोनिस्ट कार्बनिक एनहाइड्रोज इनहेबिटर रोक आइनिज इनहेबिटर एंड मियोटिक और कॉल के एजेंट्स तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है टोटल छः ऐसे ऑप्शन है कि जो पॉपुलर कैटेगरीज है आईड्रॉप्स की कि जो यूज होती है इन ए ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्युलर हाइपरटेंशन तो समझते हैं सबसे पहले कि प्रोस्टाग्लैंड तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है दे वर्क बाय इंक्रीज द आउटफ्लो दो जो दो रीजन थे कि इंट्रा प्रेशर या फिर ऑक्युलर हाइपरटेंशन की जो हम बात करते हैं ऑक्युलर हाइपरटेंशन तो ऑक्युलर हाइपरटेंशन के जो हमने आगे सीखे कोजिस तो उसमें दो कोजेस मेन थे एक तो इंक्रीज होना प्रोडक्शन ऑफ एक्वियस ह्यूमर एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन इंक्रीज होना और दूसरा था रिड्यूसिंग एक्वियस ह्यूमर आउटफ्लो जिसके कारण क्या होता था इंट्रा प्रेशर इंक्रीज हो जाता था और जिसको हम कहते थे ऑक्युलर हाइपरटेंशन तो ये मेडिकेशंस क्या करेगी दे वर्क बाय इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द फ्लूइड इन द आईज कि जिसको हम कहते हैं एक्वियस ह्यूमर एंड रिड्यूस द आई प्रेशर अब समझो कि हम ये प्रोडक्शन रिड्यूस करवाए या फिर समझो कि प्रोडक्शन रिड्यूस नहीं करवा रहे बट एक्वियस ह्यूमर का आउटफ्लो इंक्रीज़ करवा रहे हैं बाय यूजिंग द मेडिकेशंस। तो समझो कि मेडिकेशंस के ऐसे आइड्रॉप्स हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें ऐसे आइड्रॉप्स दें कि चलो प्रोडक्शन पे तो हम उसकी कोई इफेक्ट नहीं करवा रहे हैं बट एक्वियस ह्यूमर का जो आउटफ्लो है वो हम इंक्रीज़ करवा देते हैं तो यही देखिए यहाँ पे लिखा है कि दे वर्क बाय इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड इन द आइस एंड रिड्यूस द आई प्रेशर अब जो आँखों के अंदर जो ह्यूमर इंक्रीज़ होता हो वो समझे कि उसका आउटफ्लो हम इंक्रीज़ करवा देंगे तो जिसके कारण क्या होगा प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा तो उसके लिए जो पॉपुलर आइड्रॉप्स है वो है लेटानोप्रोस्ट फिर सेकंड है ट्रावोप्रोस्ट टैफ्लोप्रोस्ट बीमाटोप्रोस्ट एंड लेटानोप्रोस्टिन बुइनोड तो ये है हमारे पास टोटल पांच ऑप्शन है प्रोस्टाग्लैंड के अंदर क्या आप यहां पे देख सकते हैं उसके मार्केटेड फॉर्मुलेशन कि लेटानोप्रोस्ट ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव परसेंट की जो है वन ट्वेंटी फाइव माइक्रोग्राम पर टू पॉइंट फाइव एम की स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है तो उसके जो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि माइल्ड रेडनिंग होती है आइस के अंदर कि जब कोई आई ये टाइप के ड्रॉप्स यूज करता है तो माइल्ड रेडनिंग होती है आइस के अंदर स्टिंगिंग ऑफ द आईज हो सकता है डार्कनिंग ऑफ द आइरिस आइरिस थोड़ी डार्क हो सकती है डार्कनिंग ऑफ द पिगमेंट ऑफ द आई और आईलिड स्किन एंड ब्लर विजन तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस एंड साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं कि जब प्रोस्टाग्लडिज यूज़ होते हैं फॉर ऑक्यूलर हाइपर फिर बीटा ब्लॉकर्स तो बीटा ब्लॉकर्स का काम क्या है कि रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लूड कि दो एक सबसे बड़ा रीज़न कि सीलियरी बॉडीज़ द्वारा प्रोडक्शन का इंक्रीज होता है तो वो ये मेडिकेशन रिड्यूस करवाती है एंड जिसके कारण क्या होता है रिड्यूसिंग द आई प्रेसर और उसके जो पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है टीमोलॉल है बेटाक्सोलॉल है तो ये आप यहां पे देख सकते हैं कि बिटाक्सोलॉल ऑप्थाल सॉल्यूशन और टीमोलॉल पॉइंट फाइव परसेंट की स्ट्रेंथ में तो इसकी जो साइड इफेक्ट है कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग स्लो हार्ट रेट लो ब्लड प्रेशर एंड इम्पोर्टेंसी एज वेल एस फटीक की जो थकान होना ये कुछ उसके साइड इफेक्ट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद तीसरा ऑप्शन दैट इज अल्फा एड्रीनर्जी एगोनिस्ट तो उनका काम क्या है कि दे वर्क बाय रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लूड एंड ऑल्सो द आउटफ्लो कि आउटफ्लो जो है वो इंक्रीज करवाएंगे एंड रिड्यूस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ द फ्लूड कि जिसके कारण दोनों रीजन रिड्यूस हो जाएंगे और उसके कारण ऑक्युलर प्रेशर जो है वो फिर से नॉर्मल की रेंज में आ जाएगा एंड इट रिड्यूस द आई प्रेशर जिसके एग्जाम्पल है एप्राक्लोनिडिन एंड ब्रीमोनिडिन तो ब्रीमोनिडिन टार्ट्रेट का जो ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन 0.2 परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और एप्राक्लोनिडिन ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन की जो 0.5 परसेंट में है तो आरएक्स ओनली प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं ये आरएक्स ओनली आप देख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप्स रहते हैं ये फिर जो ऑप्शन है उसके अलावा इसके जो साइड इफेक्ट है देट आर इरेगुलर हार्ट रेट हाई ब्लड प्रेशर फटीग हो सकता है रेड इच योर स्वलानाइस और ड्राई माउथ बिकॉज अल्फा एड्रीनर्जिक और ये एगोनिस्ट जो होते हैं हैंजिक उनकी एक साइड इफेक्ट रहती है ड्राई माउथ इरेगुलर हार्ट रेट हाई ब्लड प्रेशर फटीग हो सकता है रेड इच योर स्वलानाइज फिर है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स दे ऑल्सो वर्क बाय द रिड्यूज द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लूड इन द आइस एंड रिड्यूज द आई प्रेशर तो जिसकी जो एग्जाम्पल है कि जो आई ड्रॉप्स होते हैं जो सिप्ला का एक फेमस ब्रांड है कि जो यूजली प्रिस्क्राइब किया जाता है टू रिड्यूज द प्रेसर इन द आइस तो डॉर्जोलामाइड हाइड्रोक्लोराइड ऑफ थाल्मिक सोल्यूशन की डॉर्टास एज वेल एज डॉर्जोक्स अलग अलग जो ब्रांड है ये इंटास का प्रोडक्ट आप देख सकते हैं एज वेल एज बीटा फ्री आई ड्रॉप्स कि जिसके अंदर ब्रिंजोलामाइड एंड ब्रिमोनीडि ट्राइट्रेट दोनों कॉम्बिनेशन में है तो डॉर्जोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड दोनों पॉपुलर है कार्बनिक एंड हाइड्रेस इनहिबिटर के अंदर उनके कुछ साइड इफेक्ट ये है कि मैटालिक टेस्ट आपको लग सकता है फ्रीकेंट यूरिनेसन हो सकता है टिंगलिंग इन द फिंगर्स टिंगलिंग इन द टॉ तो ऐसा नहीं कि ये सभी के अंदर ऐसे साइड इफेक्ट कुछ पेशेंट्स के अंदर ये साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं फिर है रोकाइनेज इनहिबिटर कि दे ऑल्सो वर्क बाय रिड्यूस द आई प्रेशर बाय सप्रेसिंग द रो काइनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूड इंक्रीज सीलियरी बॉडी द्वारा जो फ्लूइड सीक्रेट होता है वो इंक्रीज होने के लिए रोकाइनेज एंजाइम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर समझो कि हम ये एंजाइम को ही इनहिबिट कर दे तो आगे जाके फ्लूड का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा सप्रेस होगा तो उसका जो एग्जांपल है वो है नेटार आई ड्रॉप्स तो उसके साइड इफेक्ट है आई रेडनेस हो सकती है आई डिसकम्फर्ट एंड डिपोजिट फॉर्मिंग ऑन द कॉर्निया तो ये कुछ साइड इफेक्ट इससे डेवलप होते हैं या फिर देख सकते हैं कि टॉपिकल एप्लीकेशन इन द आईज ओनली स्टराइल प्रोडक्ट आर एक्स ऑन लिख जो है नेटर सुडिल सुडील आईड्रॉप फिर जो मियोटिक और कॉलिनर्जिक एजेंट्स जो हम कहते हैं कि जो यूज होते हैं ऑक्यूलर हाइपरटेंशन के अंदर दे आर पीलो कार्पिन तो उनका काम होता है इंक्रीज द आउटफ्लो आउटफ्लो इंक्रीज करवा देंगे जिसके कारण आगे जाके जो प्रेशर है वो रिड्यूस होगा तो उसका एग्जाम्पल है पिलो कारपिन काफी फेमस है आप देख सकते टू परसेंट में एफ में एफडीसी का भी ये देख सकते हैं कि टू परसेंट वेट बाई वॉल्यूम साइड इफेक्ट्स उसके हैं एक है आई एक्स हो सकता है स्मॉलर पीपल्स पॉसिबल ब्लर एंड विजन एंड नियर साइटनेस तो हेडेक हो सकता है आइज के अंदर भी पेन हो सकता है प्यूपिल स्मॉल हो सकती है पॉसिबल ब्लर या फिर विजन या फिर नाइट साइडनेस भी आपको हो सकता है सॉरी नियर साइडनेस तो ये है कुछ साइड इफेक्ट एज वेल एज यूज ऑफ मियोटिक और कॉलिनर्जिक एजेंट्स फॉर ऑक्युलर हाइपरटेंशन तो यह था स्पेशल वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग ऑक्युलर हाइपरटेंशन तो एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल और यही जो लेक्चर्स के पीपीटीज एंड पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं फार्मरॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के जहाँ पे आप एक्सेस कर सकेंगे स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑल्सो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है नाइन फोर टू एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ए फॉक्स तो एंड्रॉइड फोन है तो एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी